हेलो फ्रेंड्स, बिहारी रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को चावल का खीर बनाने की विधि बता रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए हम सामग्री देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए खीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ चावल लिया है। ये सोनाचूर का चावल है, बहुत ही इसमें खुशबू होता है और ये बिल्कुल बारीक होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इससे बनता है तो खीर में इसे लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी डाल के इसको भिगो देंगे। अब हमको इसको भिगने के लिए रख दिए हैं। इधर हमने खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध हमने लिया है। अब हम इसको उबलने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। हमारा दूध जो उबल रहा है, इधर हम चावल भिगा दिए हैं। अब देखिए, हमने यहाँ लगभग 200 से 250 ग्राम हमने यहाँ लिया है चीनी। यहाँ 10-12 पीस हमने लिया है काजू, 10-12 पीस लिया है पिस्ता, बादाम लिया है यहाँ हमने, नारियल का बूरा लिया है 1 चम्मच, और 8-10 इलायची का लिया है हरी वाली, इसे हमने बारीक कूट लिया है। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हमने यहाँ लिया है केसर। तो हम दूध को जो है उबलने के लिए जो गैस पे चढ़ाए हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, हमारा जो है दूध हम उबलने के लिए रख दिए हैं। अब चावल को मेरा चावल भीग चुका है, तो हम चावल को पानी से निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने 15 मिनट के लिए चावल भिगोया था, इसको हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा इसको हम मैक्स कर दे रहे हैं इस तरह से। हाथों की सहायता से इसको थोड़ा बारीक कर लीजिए ताकि दूध में मिक्स होने में ना टाइम लगेगा और अच्छे से ये बारीक मिक्स हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है दूध में मिलके। देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गया है, तो हम इसको खीर को इसमें डाल देंगे, चावल में डाल देंगे, चावल डाल देंगे दूध में। देखिए, अब इसको हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे चावल को पका लेंगे, खूब अच्छे से चलाते हुए, क्योंकि ये नया चावल है। हमने यहाँ चावल नया इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी चावल उपलब्ध हो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको जो है कंटिन्यू चलाते हुए, ताकि चावल नीचे चिपके ना, नया चावल चिपक जाता है जल्दी। अब हम इसे चलाते हुए जो है पकाएंगे। तो देखिए, हमने इसे लगभग 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे इसको पका लिया है। ये हमारा जो चावल है वो बिल्कुल इस तरह से मैक्स हो जा रहा है। देखिए, मैक्स हो जा रहा है, तो हमारा चावल पक चुका है। हम इसमें चीनी डालेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए हम चीनी डाल देंगे, और चीनी डाल के हम इसे 15 मिनट तक इसी तरह पकाते रहेंगे जब तक ये बैटर गाढ़ा ना हो जाए। चीनी पानी छोड़ता है तो ये मेल्ट हो रहा है दूध में। तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से, नीचे से चलाते हुए इस तरह से, और गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। दूध में पूरा मिक्स हो जाए, दूध गाढ़ा हो जाए। अभी देखिए, हमारा दूध पतला है, इस तरह से सब कुछ मिक्स नहीं हुआ है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। अब हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए, हमने यहाँ बादाम,
बड़ी बादाम ली है, इसको डाल दिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट हम बचा रहे हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये पिस्ता है, ये काजू है, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, इसे भी मिला लेंगे। और ये इलायची है बारीक कुटा हुआ, इसे भी मिक्स कर लेंगे और हम इसे मिलाते रहेंगे। हमारा सब कुछ मिक्स हो जाए। इलायची का स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है, इलायची पाउडर ज़रूर डालिए, ये बहुत जो है अच्छा लगता है, खीर में पड़ता है। तो हम इसको डाल के 2 से 3 मिनट तक पकाते रहेंगे ताकि हमारा सब कुछ खीर में मेल्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है खीर को एक बाउल में निकाल लिया है, मेरा खीर अच्छे से बन चुका है। तो हमने गैस को बंद कर दिया था, अब हम खीर बाउल में निकाल लिए हैं। इसको हमने ऊपर से बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाला है और ऊपर से हमने केसर जो लिया था वो केसर लिया है, उसे गार्निश कर लिया है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।